हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकी। फ्रेंड्स, इंडिया में सबसे पहली डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक वाली मुंबई में लॉन्च हो चुकी है और बेस्ट ने उसको लॉन्च किया है। तो A115 का रूट है और यहां से VT से लेके ये जाता है NCPA, मतलब नरीमन पॉइंट तक जाता है। तो फिलहाल तो एक ही डबल डेकर बस लॉन्च हुआ है, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या है, कैसा इसका जर्नी है वगैरह, सब कुछ देख लेंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस के लिए। यहाँ पे हर दो दो मिनट में 115 का बस है, लेकिन एक ही बस चलता है, तो आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा अगर आपको जॉय राइड लेना है। तो दोस्तों, वो देखिए, वो आइकॉनिक बिल्डिंग है अपना CSTM स्टेशन। तो यहाँ से चल के थोड़ा सा आना पड़ता है, और ये जो बस स्टॉप है उसका नाम है खादी भंडार। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस में लॉन्च होने वाली ये फर्स्ट डबल डेकर बस है इलेक्ट्रिक वाली। ये मैं क्यों मेंशन करना इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, क्योंकि हैदराबाद में भी ऐसा एक बस लॉन्च हुआ है, लेकिन वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। एक्चुअली टेंडर जो है वो इस बस का पहले आया था, बाद में हैदराबाद वाले का आया, लेकिन उनका टूरिस्ट सर्विस पहले लॉन्च हो गया। यहाँ पे कुछ डिलेज हो गए, लेकिन फर्स्ट पब्लिक सर्विस वाला अपना ही है, मुंबई वाला है। तो अगर आपके पास चलो का कार्ड है तो सबसे बेस्ट आपका काम हो जाएगा। देखिए, डबल डेकर बस हम लोग को दिख गई है अभी। चलिए चलते हैं इसके अंदर। चलिए चलते हैं अंदर। EIV 22। नमस्कार। ऐसा स्टेयर्स रहता है तो यहाँ पे ऊपर जाके पीछे का व्यू, सब लोग फोटो निकालने के लिए आए ऐसे लग रहा है। मेरे पास ऑलरेडी ये चलो का कार्ड है, तो इसके लिए हम लोग अपने कार्ड से निकाल लेंगे। लेकिन आपके पास कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे जो कंडक्टर असिस्टेंट है वो आपके लिए टिकट निकाल के दे देंगे। तो ये है यहाँ का आज़ाद मैदान, फैशन स्ट्रीट और आज़ाद मैदान इस एरिया का बहुत फेमस है। तो देखिए, ओल्ड मीट्स न्यू। तो फ्रेंड्स, इस बस का जो है वो नोस्टैल्जिक वैल्यू है, और बहुत सारी लोगों की बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं इस बस के साथ। डबल डेकर जो पुरानी बस थी, स्पेशली वो साउथ मुंबई और कुत्ता साइड में बहुत ज़्यादा चलती थी। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो स्कूल में जाते थे उनकी भी बहुत सारी यादें डबल डेकर बस से जुड़ी हुई। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो नया अवतार है डबल डेकर बस का इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ये बहुत ही लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। और कुछ लोग सिर्फ टेस्ट राइड के लिए आए थे, और मैं भी यहाँ पे टेस्ट राइड के लिए आया हूँ, तो मेरी भी बहुत सारी यादें इस बस के साथ जुड़ी हुई है। टोटल राइड जो है इस बस का वो 6 रुपीज में आपको 15 मिनट्स का राइड। दोस्तों, अभी इस AC बस में ना कांच लगाया, लेकिन जो पुराना नॉन AC बस था ना, उसमें ऐसे विंडो होता था, तो यहाँ पर बच्चे जो है वो ऐसे मुंह निकाल के इसका आनंद लेते थे। तो काफ़ी लोगों की ये यादें इस बस के साथ जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो एंट्री और दो एग्जिट रहते हैं। तो ये वाला जो है वो पीछे वाला एग्जिट है, और ये वाला जो है वो आगे वाला एग्जिट है जहाँ से हम लोग चढ़े थे। तो इमरजेंसी एग्जिट हर यहाँ पे आपको विंडो पे देखने मिलेगा, तो किसी भी विंडो को आप फोड़ सकते हो। यहाँ पे हैमर भी दिया है, और पूरा एकदम वाइड विंडोज है, उसकी वजह से आपको इसमें नीचे बैठने में भी बहुत मज़ा आएगा। इमरजेंसी स्टॉप भी यहाँ पर बटन दिया हुआ है, AC का वेंट यहाँ पर है, स्पीकर भी यहाँ पर है। कुछ अनाउंसमेंट होगा तो ये यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली हैंडल है, यहाँ पे जो स्पेस है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए आगे जाके यूज़ होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्लासिक इनका जो घंटी है वो भी इसमें लगाया है। जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी सीट दिया है, और इधर भी सीट है। इधर टैप का सिस्टम भी है, तो मतलब यहाँ से आप चढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको चलो का टैप करना है, अंदर जाना है, और उतरते वक्त भी टैप करना है ना, उधर पीछे टैप होगा। अच्छा, पीछे टैप करना है। अच्छा, और आपकी जर्नी स्टार्ट होगी जब आप उतरोगे, तो इधर टैप आउट करना, तो आपका फेयर आएगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये EV है, तो इसमें घेर वेर का लफड़ा है नहीं, क्लच नहीं है, तो एकदम स्मूथ जर्नी है इसका। सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पे देखिए, एक ऊपर इधर स्मोक अलार्म भी लगा हुआ है। ये अशोक लेलैंड का बस है, और ऑपरेट करता है स्विच कंपनी। 4 मोड्स जो ऑटोमेटिक कार में होती है, ERND, ठीक है, ये उसमें है। और गियर तो है नहीं, पूरा कंट्रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इधर कैमरा का स्क्रीन दिए है, जो कैमरा लगे अंदर, वहाँ पे
टेम्परेचर कंट्रोल्स सब कुछ है, अंदर कितना है बाहर कितना है सब कुछ है, और उस तरफ है ना बहुत सारे स्विच है, रिबन पॉइंट का जो कट्टा है बैठने का उधर है, लेकिन ये बस जो है वो यहाँ से टर्न लेती है। इधर भी ऊपर कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर डिस्प्ले का बोर्ड है वेलकम, फिलहाल यहाँ पे दिखा रहा है, राइडर के लिए वहाँ पे फैन भी दिया हुआ है और एक टॉकबैक का मैकेनिज्म भी है जिससे वो बात कर सकते हैं, अगर बस में कुछ अनाउंस करना हो तो यहाँ से अनाउंसमेंट भी हो जाता है। तो ये जो राइडर है इनका कहना है कि अगर स्टैंडिंग लोग होंगे ना तो बॉडी रोल हो रहा है गाड़ी को, ऐसे मतलब जब भी टर्न मारा है तभी समझ में आ रहा है। सो ही वॉज टेलिंग मी दैट। तो नाम क्या है? अंकुश खेरकर। अच्छा, कसं वाटतं मग चालवायला? ठीक, मजा येते की ठीक आहे? फक्त मजा नाही येते, जबाबदारी वाढली। अच्छा, आणि गिअर नसल्यामुळे कसं वाटतं? खायला आराम आहे? आणि चालवायला छान आहे? चालवायला छान आहे। डिझेलचं हेवी, पेट्रोलचं हेवी, त्याच्यामुळे पुढे सगळं लाईट आले। हां, सी एन जी लाईट आला, त्याच्यापेक्षा इलेक्ट्रॉनिक हे अजून लाईट आहे, इन्स्टंट पॉवर जास्त आहे ना याला। तुम्ही आधी ह्याच्या आधी म्हणजे म्हणजे ए सी चालवत होता का? ए सी बस चालवत होता? नॉन ए सीमधून इथे घेतले तुम्हालाच का मग असं स्पेसिफिकली? असं नाही, अनुभव म्हणून। अच्छा, 26 वर्ष सर्विस आहे? 26 वर्षाची सर्विस झाली। अच्छा, आणून पाठवलं ही गाडी संभवू शकता असं एक कॉम्पिटिशन आहे। अच्छा, तुमचं पण अभिनंदन, तुम्हाला सर्विस रेकॉग्निशन मिळालं ना। हो, ये बता रहे हैं कि इनका 26 इयर्स का सर्विस था, इसकी वजह से उनको ये जो बस चलाने का है वो सौभाग्य मिला। तो सद्य ही एक है ना बस इतने? अच्छा, नेक्स्ट हफ्ते में आ जाएंगे, हफ्ते में आते रहेगा अभी। अच्छा, हलू हलू करूँ वाड़ा ना। कुरला में भी चालू करो यार तुम लोग? कुरला में नहीं हो पाएगा क्योंकि होगा एक्चुअली पैसेंजर पर डिपेंड करता है उस हिसाब से। और आपको ये बस सैटरडे संडे मुंबई दर्शन पे देखने मिलेगी। अच्छा, हेरिटेज। अच्छा, हेरिटेज वाला। तो फ्रेंड्स, इधर इसका लास्ट स्टॉप है और यहाँ पर है अपना हेरिटेज बिल्डिंग, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इधर जो सबवे है वहाँ से अपन स्टेशन को डायरेक्ट जा सकते हैं, तो सबवे के पहले एक बस स्टॉप है तो वहाँ पे वो यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। तो मैं रिटर्न इसी बस में वापस रिटर्न आ गया क्योंकि मुझे पूरा इसका थरोली एंजॉय करना था। तो करीब करीब अभी 25-30 मिनट्स में इस बस में हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ स्ट्रेस नहीं हो रहा है। और जो हमारे राइडर है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद तुम्ही मतलब फिरवलं त्याबद्दल। जहाँ पर हम लोग चढ़े थे वहीं पर अपन उतरने वाले हैं। स्विच मोबिलिटी MH-43 जो वाशी का अपना है उसका पासिंग यहाँ पे, MH-43 वाशी का पासिंग है यहाँ पे। चलिए एक साइड से वॉक थ्रू ले लेते हैं। एकदम ऐसे लंदन का सिस्टम कैसा है डबल डेकर, वैसा इसका सिस्टम है यहाँ पे। बेस्ट का बैजिंग 115। चलिए तो बोलते हैं हम लोग बाय बाय। इन्फॉर्मेटिव ट्रैवलर विकी। हाँ, आणि 12 रुपयामध्ये मस्त मजा लिया एकदम। तो वापस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं खादी भंडार पे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। डेफिनेटली आइए यहाँ पर जॉय राइड लेने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे ही अपडेट्स आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ टाइम, बाय बाय।